हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने टू मॉडल मेनली आपको एक्सप्लेन किए थे जो कि आपको प्रपोज किए गए हैं। ओके, अब मैं आज से आपका जो लेसन है उसमें बेसिकली आपको थर्ड मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। ओके, अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सो थर्ड मॉडल इज़ द फ्लूड मोज़ेक मॉडल। ओके, द फ्लूड मोज़ेक मॉडल जो है वो थर्ड मॉडल है। ओके, लेटर इन 1972 सिंगर एंड ऑफ निकोल प्रपोजेज द फ्लूड मोज़ेक मॉडल। ओके, इन 1972 सिंगर एंड निकोल ने मेनली फ्लूड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू देम द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूड विथ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। इनके अकॉर्डिंग, किसके, सिंगर एंड निकोल के अकॉर्डिंग, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये एक फ्लूड है। ओके, जिसमें आपका जो प्रोटीन्स है वो मोज़ेक है। ओके, मोज़ेक मींस मेनली क्या होता है फ्रेंड, पैटर्न फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ इफेक्टिव कलर्ड पीसेस ऑफ स्टोन और अदर सच मटेरियल्स। मोज़ेक मतलब होता है एक पैटर्न है जिसमें से आपके स्टोन के कलर्ड पीसेस की अरेंजमेंट दिखाई देती है। जैसे एक स्टोन है, फिर दूसरा स्टोन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टोन है और वो एक पैटर्न की तरह सेव रहते हैं। ओके, सो मोज़ेक ऐसा बोला गया। तो इसमें ये बता रहा है कि एक मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूड है और उसमें प्रोटीन्स जो है वो एक अरेंजमेंट है, मोज़ेक की तरह अरेंजमेंट है। ओके, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल। ओके, दिस मॉडल इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट टिल नाउ। और ये जो आपका फाइनली मॉडल है, जो फ्लूड मोज़ेक मॉडल है, जो प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोल, ये अभी तक साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है इस मॉडल को फाइनली। ओके, इन दिस मॉडल द प्रोटीन्स आर फाउंड टू फ्लॉट इन द लिपिड लेयर इंस्टेंट ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ऑफ सैंडविच टाइप मॉडल। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने सैंडविच टाइप मॉडल एक्सप्लेन किया था उसमें बोला था कि सैंडविच की लेयर है। ओके, बट इस मॉडल में ये बोला गया है कि जो प्रोटीन्स है वो लिपिड लेयर में तैर रही है, फ्लोट कर रही है। ओके, तो ये मॉडल अभी एक्सेप्ट किया गया है मेनली उसकी जगह, किसकी जगह, सैंडविच मॉडल की जगह पे। सैंडविच मॉडल को एक्सेप्टेड अभी टिल नाउ नहीं किया है, अभी फ्लूड मोज़ेक मॉडल एक्सेप्टेड है जिसमें कहा गया है कि प्रोटीन्स जो है वो मेनली लिपिड्स की लेयर में तैरते हैं। ओके, नाउ लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड की लेयर है। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल मेम्ब्रेन की जो सेंट्रल लेयर है वो लिपिड की होती है और जो पेरिफेरी में दो लेयर है, ओके, वो प्रोटीन्स की होती थी। तो हम सेंट्रल लेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन की है, लिपिड लेयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द सेंट्रल लिपिड लेयर इज अ बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो सेंट्रल की लिपिड लेयर है वो क्या है, बाई लेयर्ड है। ओके, दो लेयर है सेंट्रल लिपिड की लेयर। ओके, दिस इज फॉर्म्ड बाय अ थिन फिल्म ऑफ लिपिड्स। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज दैट इट इज फ्लूड इन नेचर एंड नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ये जो लिपिड की लेयर है, जो बाई लेयर सेंट्रल लिपिड की लेयर है, वो थिन फिल्म की तरह है। और लिपिड लेयर का मेन करेक्टरिस्टिक्स मेनली है कि ये जो लिपिड की लेयर होती है वो फ्लूड नेचर की होती है। ओके, एंड नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड नहीं होती वो, फ्लूड नेचर की होती है, फ्लूड होती है वो। ओके, लिपिड की जो बाई लेयर और वो थिन फिल्म जैसी होती है। ओके, सो द पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द सरफेस इफ द सेल। ओके, तो ये जो लिपिड की लेयर है, ओके, ये फ्लूड की तरह होती है, इसलिए ये सेल में इधर से उधर जाती है मेनली। ओके, मूव करती है बेसिकली, कहना चाहते हैं तो। सो द मटेरियल डिजॉल्व इन लिपिड लेयर ऑल्सो मूव टू ऑल द एरियाज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इस वजह से, क्योंकि लिपिड की लेयर फ्लूड की तरह होती है, वो मूव होती है, इसलिए लिपिड के लेयर में जो मटेरियल डिसॉल्व होते हैं वो भी क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मूवेबल होते हैं, वो भी एक एरिया से दूसरे एरिया में बेसिकली मूव होते हैं, क्योंकि आपकी लिपिड की लेयर भी
फ्लूड की तरह होती है और मूव होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. नाउ द मेजर लिपिड्स आर, फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो लिपिड की सेंट्रल लेयर होती है वो बाई लेयर्ड होती है. तो जो बाई लेयर्ड बेसिकली होती है वो दोनों किस चीज़ से मिलके बाई लेयर होते हैं. ओके, तो जो मेजर लिपिड्स होते हैं उसमें है ना, वो होते हैं फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकेंड वन इज कोलेस्ट्रॉल. ओके, जो बाई लेयर्ड सेंट्रल लिपिड की लेयर बनती है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है. सो हम फर्स्टली बात करते हैं अबाउट फॉस्फोलिपिड्स. ओके, फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या होता है, ये मेजर लिपिड है. ओके, द फॉस्फोलिपिड्स आर द लिपिड सब्सटेंसेस कंटेनिंग फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड. फ्रेंड्स ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये बेसिकली लिपिड का सब्सटेंसेस होता है जो किस से मिलके बनता है. फर्स्टली ये फॉस्फोरस एंड सेकेंड वन इज फैटी एसिड. फैटी एसिड एंड फॉस्फोरस जो होते हैं उससे मिलकर ये फॉस्फोलिपिड बनता है. फॉस्फो वर्ड यूज फॉर फॉस्फोरस एंड लिपिड्स वर्ड यूज फॉर फैटी एसिड. ओके, तो दिस इज नोन एज फॉस्फोलिपिड्स विच कंटेन फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड्स. नाउ द फॉस्फोलिपिड्स ऑफ लिपिड लेयर आर एमिनो फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोमाइलिन्स, फॉस्फोटाइडाइल कोलीन, फॉस्फोटाइडाइल इथोलैमीन, फॉस्फोटाइडाइल ग्लिसरोल, फॉस्फोटाइडाइल सीरीन एंड फॉस्फोटाइडाइल इंसिटर. ओके, ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है ओके, ये क्या क्या कहलाती है मेनली, इसको हम क्या क्या बोलते हैं और इसके अंदर क्या क्या मेनली चीज़ें होती हैं. एमिनो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, स्फिंगोमाइलिन्स होती हैं, फॉस्फोटाइडल कोलीन, फॉस्फोटाइडल इथोलेमाइन, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरोल, फॉस्फोटाइडल सीरीन एंड फॉस्फोटाइडल इंसिटर. ओके, इन सब चीज़ों से मिलकर मेनली ये जो लिपिड की लेयर है, जो फॉस्फोलिपिड है, वो फॉर्म होती है और हम उनको ये सब नामों से भी बुला सकते हैं. ओके, तो बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड्स के कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है जो सेंट्रल की लिपिड लेयर में मेजर कंटेंट होती है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे फॉस्फोलिपिड की चीज़ें प्लस जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो बाई लेयर सेंट्रल लिपिड में कोलेस्ट्रॉल है, उसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू. होप सो आपको मेरा लेसन काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा हो. अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी डाउट्स हो सो कमेंट योर क्वेरीज एंड फॉलो मी इन दिस लिंक. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.